तालियों से स्वागत करो। ये रही दावत हमारी। मजाक कर रहे हो ना व्योम? नागरानी के साथ मजाक कर रहे हो? अरे देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। सोचो नागिन का खून कितना मीठा होता है। ये तो फिर नागरानी है, इसके खून की तो बात ही कुछ और है। टूट पड़ो। नहीं, ये क्या कह रहे हो व्योम? व्योम रोको इन्हें। तुम प्यार करते हो ना मुझसे? चुप चुप पागल लड़की, तूने आज तक कभी किसी केस और नागिन की लव स्टोरी सुनी है? हम ठीक है, तुम नागिन से नफरत करते हैं। और वो ही मैंने भी की है। किसने तुम्हें प्यार में फंसाया ताकि ये नाग मेरे पास रखो? ये नाग मेरी, मुझे मिल गई। मेरा काम खत्म, तो तुम भी खत्म। खत्म कर दो इसे। साफ साफ बताने के लिए साफ साफ दिखाना जरूरी था माहिर, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने रूप बदला। और एक बात और, इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मैं विक्रांत, तेरा भाई युवराज मर चुका है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। बेला को पता था कि नहीं? यूवी की मौत का, मेरे भाई की मौत का बेला को पता था या नहीं? हाँ, उसे पता था कि ये यूवी नहीं है, कि ये फेक है और यूवी मर चुका है। बेला, बेला को ये सब पता था, वो ये सब जानती थी। बेला का हाथ छोड़ो। आप छोड़िए माहिर जी। मेरा कर्टेंस क्यों बंद कर रही हो? अच्छा कर लो, एक सेकंड मैं लाइट जला देता। नहीं नहीं माहिर जी, नहीं लाइट नहीं चाहिए, वो एक्चुअली सर दर्द है। हमेशा तुमने मुझे धोखे में रखा है। कभी मेरी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। हमेशा मुझे खिलौने की तरह, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये सब कुछ नहीं सहूंगा। तुमने हमेशा सिर्फ इतना ही चाहा कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता, बिना सवाल बिना जवाब। बस तुम बोलो,
वो कहो रात को रात। हाँ जी बेटा जी, हमने मैं सच जानना चाहता हूं और मुझे तुम बताओगे। अभी तुम लोग मुझे बताओगे कि सच क्या है, बताओ मुझे। अरे बोल रही है, बोलो ना। ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ सच क्या है। नहीं विक्रांत, तुम इसे कुछ नहीं बताओगे। बोलेगा ये और तुम उसे नहीं रोकोगे। बोल सच क्या है। विक्रांत, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जो कुछ भी बताएगी बेला ऐसे बताएगी। ये अभी सच बोलेगा। देखो माहिर, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, समझे तुम? कौन है तुम, क्या करेगा तुम? करना माहिर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। पर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे ना लड़ो। बात को समझो, विशाखा बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुम्हें कुछ भी जानना है जाकर तो तुम जाकर बेला से पूछ लो। जाओ। समझने की कोशिश कर, तुम घर पे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते। ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब मैं देख लूंगा, अब बेला मुझे खुद सब कुछ सच बताएगी। आंखों में आंखें डालकर वो एक एक बात सच बोलेगी। और नहीं मुंह खोलना चाहते ना तुम लोग, अपना बंद रखो। मैं सच को पता लगा लूंगा खुद। I will, damn it. मैंने कहा था ना तुमसे बेला, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन झूठ नहीं, धोखा नहीं। तुमने वही किया मेरे साथ, तुमने झूठ बोला, मुझे तुमने धोखा दिया बेला। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर दहल आई हो, तुम हो कहां? अरे वाह बेला, कमाल है बेला। हारी हुई जंग पे फिर लड़ने आ चुकी हो तुम, हार नहीं मानोगी। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी बहन को यहाँ से कोई जिंदा जाने नहीं देगा। हम कीड़ों के मुंह से कोई हमारा खाना नहीं छीन सकता। ये मैंने क्या कर दिया? घबराओ मत, मैंने कहा चुप चुप। देखो गिद्धू का ध्यान भटकाती हूँ मैं, तुम फटाफट से गिद्ध का रूप लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम अपना रूप बदल सकती हो ना? हाँ, बदल सकती हूँ। तो जल्दी करो, घबराना नहीं है, चुपचाप रूप बदलो, निकलो यहाँ से, मैं संभालती हूँ यहाँ पे। वो तो चलेगी बेला, अब तुम्हारा क्या होगा? हाँ बंद हो रहा है मेरा। कहा तुम बेला, कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलो ना। हेलो बेला, हेलो। लगता है इससे गलती से फोन ऑन हो गया।
मगर अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। स्कोर को ट्रेस करके ये तो पता ही चल जाएगा। नॉट एनी मोर। हेलो, आई नीड अ फेवर। ये क्या हो रहा है? देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मुझे बस ये बताओ, नागमणि कहाँ है? नहीं पता, नहीं तो मेरे हाथ से ले लिया और फिर वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। सब मेरी वजह से ही हुआ। तो ये नई नागरानी और बेला रानी यहाँ खड़ी है, दोनों को यही खत्म करके दबा देता हूँ। नहीं, तू भाग, भाग। फोन यहाँ फेंक के खुद कहाँ चली गई वो, और यहाँ इस शमशान घाट में करने क्या आई थी बेला? नागरानी का कहना मान लो बेला, आ जाओ मेरे पास, अपनी मौत के पास। जूही तो मुझ पे भरोसा करती है। हाँ दी, तो पहले गिद्ध फिर अपना असली रूप। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ, कूदो। ठीक हो ना? हाँ, देखो घबराओ मत, हम ठीक है ना? अब बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस किसी तरह हमें नागमणि को ढूंढना है। व्योम उसे कहाँ छुपा सकता है, हमें इसके बारे में सोचना है। तू घबरा मत जूही, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा तेरे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब संभाल दूंगी। हाँ, चुप चुप चुप। क्या हुआ, घबरा क्यों रही है? जूही जी, बेला, What the hell is this? जीजू, वो मैं। तुम नहीं, ये बताएगी मुझे। तुम बताओगी मुझे सारी सच्चाई, क्या हो रही है? जूही,
हो जूही, पास मत जाओ। आंखें पहचान गई थी। माहिर की आंखों में गुस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन किसी की जान ले ले इतनी नफरत नहीं हो सकती। चमक को देख के ही समझ गई थी कि यह नागमणि ही हो सकती, तभी तो नागमणि हमें मिल नहीं रही, क्योंकि यह गिद्ध उसे निगल गया था। दीपन, ये तो रूप नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते, लेकिन जब इसने नागमणि को निगला होगा तो इसे बहुत सारी शक्तियां मिल गई होंगी, उनमें से एक रूप बदलने की शक्ति भी होगी। लेकिन अच्छा है कि इसके रूप के साथ इसकी नीयत नहीं बदली और इसकी आंखों ने सच्चाई बता दी। नहीं इसे, तुम इसे मार के अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? क्योंकि ये दुश्मन है हमारा दी, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, खास करके आपके साथ। मैं नहीं छोडूंगी। मैं बस तुमसे ये कह रही हूं कि तुम इसे ना मारो, क्योंकि ये काम तो इसके साथ ही कर देंगे। जानती हो ना, गिद्ध किसी के सगे नहीं होते, फिर इसके सगे क्या होंगे? चलो जूही। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? मुझे यहां मरते हुए नहीं छोड़ सकती तुम। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं जूही, प्लीज। मैं प्यार हूं ना तुम्हारा, हम प्यार करते हैं दूसरे से। तब नहीं सोचा हाँ, जब मुझे गिद्धों के पास छोड़ दिया था उनका शिकार बनने के लिए? उनकी भूख मिटाना चाहते थे ना तुम, अब कब मिटाओगे उनकी भूख? बनो उनका शिकार। जूही, जूही, चलो दीदी। अरे क्या घूर क्या रहे हो? और मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पीठ मत दिखाया करो। तुम देवी माँ थोड़ी ना जो तुम्हें पीठ नहीं दिखा सकता। मैं सुन सकती हूँ। बधाई हो तुम्हें सुनाने के लिए सबका हाथ। ज्यादा होशियार मत बनो हाँ। मुझे पता है तुमने माहिर को बेला के बारे में क्यों बताया, ताकि वो उसे नफरत कर सके, है ना? यही वजह थी ना? नागिन से बचना मुश्किल है, और फिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो। इसलिए तुमने उसे बताया ना, ताकि वो मार से नफरत कर सके। वजह वो नहीं है विशाखा, वजह रूही नहीं है, वजह मैं हूँ। मुझसे वो लड़का माहिर बर्दाश्त नहीं होता है। पर विक्रांत वो अच्छा लड़का है। वही है विशाखा, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सब
सब कुछ सही करता है, कभी कुछ गलत नहीं करता है। वो कुछ ना होते हुए भी बार बार रूही के लिए ढाल बन के खड़ा हो जाता है। वो इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? अफसोस मुझे इस बात का है कि इतने सालों तक मैं उसकी तरह क्यों नहीं बन पाया। हो सकता है कि इसी वजह से रूही ने मुझे छोड़ दिया, रूही ने उस माहिर को पसंद कर लिया। तो अब तुम खुश हो, मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। अब जिस काम के लेने के लिए थे वो काम कर ले, हमें रूही को ढूंढना है, आओ रूही को ढूंढते हैं। वैसे बेला की तरह मुझे शरीफ लड़के नहीं पसंद। अब चलो। शराफत से कह रहे हो या शरारत से? तुम मुस्कुराए? सवाल ही नहीं उठता है, चलो। नहीं, तुमने मुस्कुराया, मैंने देखा। चलो 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 चलो। तुम बोलो तो, मैंने देखा। भी काम हुआ, मैंने नागमणि को छुपा दिया। और आपको लगता है यहाँ पे नागमणि सुरक्षित है? अभी के लिए तो है। वैसे भी आज तक नागमणि को हवेली के गुप्त ग्रहों में छुपाने के बावजूद भी उसे चोरी होने से नहीं बचाया जा सका, इसलिए मैंने फिलहाल इसे यहाँ पे रख दिया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, ताकि तुम ठीक हो ना जो। अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को ये नहीं पता चला कि तुम नई नागरानी, यानी नागमणि और नागरानी दोनों सुरक्षित। नहीं दी, आप ठीक नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है आप बहुत गलत कर रही है। तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो जूही? गलती तो कर रही हो ना दी, जो आपने मुझे अपनी जगह दे दी। मुझे मत बनाओ नागरानी। नागरानी बनने के मैं काबिल ही नहीं हूँ। खैर, वो तो मेरी सिर्फ जिद थी, शायद सिर्फ लालच था, पर वो मेरी कभी चाह नहीं थी। उस सब मैंने सिर्फ व्योम के कहने पर किया था। व्योम ने क्या जादू कर दिया था तुम पे? मुझे नहीं पता दी, पर जब मैं होश में आई थी वो मेरे सामने ही खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि आपने नागरानी बने रहने के लिए मुझे मारा और उसने मुझे बचाया। ये कहते कि उसने मुझे आपका दुश्मन बना दिया। दी, अब ये सब बातें छोड़ो जुगी। हमारा असली दुश्मन यहाँ पर नहीं है, इस वक्त हम सुरक्षित हैं। तो तुम्हें मैं नागरानी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं बनना है मुझे नागरानी, उसके लायक मैं हूं ही नहीं और ना ही कभी थी। छुई लेकिन नहीं दी। आज मुझे बोलने दो जो मुझे बोलना है। और वैसे भी मैं आप ही की बात दोहरा रही हूँ ना, आज आप ही ने कहा था कि सिर्फ एक गलती माफ होती है, और मैंने वो गलती कर दी है जिसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया है। अभी जो ही बस नागरानी ने कह दिया ना तो कह दिया, उससे कोई बहस नहीं करते। चलो नागरानी जूही अपने इच्छा और अपनी खुशी से इस नागरानी के ताज को उसके असली हकदार को लौटा रही हूं, नागरानी रूही को। ठीक हो ना?
हाँ रूही, हम दोनों ठीक हैं। बेला वो माहिर। क्या हुआ माहिर को? क्या हुआ उसे? वो हवेली आया था, तुम्हारे निकलते ही वो वहां पर आया था और वहीं तुमने उसे सब कुछ। हे भगवान माँ, बेला का फोन यहाँ शमशान घाट में पड़ा था, मतलब बेला भी यहीं कहीं होगी। कहाँ है वो? आज उसको मुझे सच बताना होगा, मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा उसे। कहाँ है बेला? कहाँ है बेला? उसने पूछा कि तुम्हें पता था युवी के मरने का, और बेला हमें उसे सच बताना पड़ा। बेला अब माहिर को बस इतना ही पता है कि तुम्हें पता है यूवी का मर्डर, और कुछ नहीं। उसने हमारा मुंह खुलवाने की कोशिश की, लेकिन इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। हाँ रोहित, विशाखा बिल्कुल सच कह रही। देखो, वो हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, माहिर को सच बताना है नहीं बताना तुम्हारे हाथों में। मेरे हाथों में कुछ नहीं है विक्रांत, सब खत्म हो गया। जो कुछ मैंने माहिर के भाई के साथ किया है, वो जानने के बाद चाहे मैं सच भी बोलूंगी, वो मेरे पे यकीन नहीं करेगा। मुझे डर था कि अगर मैं सच बता दूंगी तो माहिर मुझे छोड़ देगा। मुझे डर था कि मैं माहिर को खो दूंगी अगर सच बताऊंगी तो। इसी डर से मैंने कभी माहिर को सच्चाई नहीं बताई। ऐसा कुछ नहीं है, माहिर तुमसे प्यार करता है। और मैंने उसके अपनों को मारा है, जान लिया उसके परिवार वालों की। माहिर मुझे कभी माफ नहीं करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ मिलके क्या क्या चाले चली। कभी माफ नहीं करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं जानबूझ के युवी के सामने आई ताकि मेरे और युवी की शादी की बात चले। कैसे तुमने उसे अपनी बातों में बहलाया, फुसलाया, उसे रिझाया और जंगल में ले जाकर उसे मार दिया। मैं उसे बताऊंगी कि ये सब मुझे पता था। मैं जानती थी यूवी अपनी शादी की रात को नहीं आएगा। सारा उसे जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों ने मिलकर रेहान को खत्म कर दिया। तुमने करण को मारा और मैंने दक्ष को मारा। मुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ नहीं समझ रही थी। मेरे सिर पे सिर्फ बदले का भूत सवार था। मुझे बस ये याद था कि उन लड़कों ने उस रात मेरे साथ क्या किया। उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं सोचा। मैंने किसी पे तरस नहीं खाया। मेरा मकसद था सबको मारना, सबको रुलाना। तेरे रोती बिलखती उसकी माँ पे भी तरस नहीं खाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके घर में सिवाय मातम के और कुछ नहीं फैलाया, उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कैसे माफ करेगा वो मुझे ये सब जान के? मैंने किसी को नहीं छोड़ा उसके घर में। बताओ मैंने क्या नहीं किया उन लोगों को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए? मैंने सब खत्म कर दिया। तुम्हें बताओ विशाखा, मैंने छोड़ा किसी को? हाँ, छोड़ दिया मुझे, मार देती ना? क्यों? ये मेहरबानी खत्म कर लेती ना अपना
बदला पूरा हो जाता तुम्हारा। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी माहिर जी। बस जितना मैंने सुन लिया ना बेला, उतना बहुत है तुमसे नफरत करने के लिए। माहिर जी। मैंने कहा दूर, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे पास आओ। माहिर जी। माहिर जी मेरी बात सुनिए। माहिर जी रुक जाइए। माहिर जी प्लीज। माहिर जी रुक जाइए। रुक जाइए ना माहिर जी प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप। एकदम चुप। एक बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने मेरे भाई को मार दिया। एक खूनी की मैं बात सुनूं तुम मुझसे ये जाती हो? अब तो सिर्फ मेरी आधी बात सुनिए माहिर जी, सिर्फ बदले वाली बात सुनिए। आधी बात सुन के आप उससे नफरत नहीं कर सकते। मेरे पास वजह थी वो सब करने की जो मैंने किया। कोई किसी से बेवजह नफरत नहीं करता, कोई किसी से बेवजह बदला नहीं लेता माहिर जी। बदला इसीलिए लिया जाता है ताकि यू हैव टू हियर मी आउट। नहीं, आई डोंट हैव टू हियर यू आउट। नहीं सुनना चाहता तुम्हारी कोई बात। क्या बता रही हो बदला? आग के बदले आग, खून के बदले खून, ये सब कुछ। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वजह भी नहीं थी ना मेरे परिवार वालों को मारने की, मेरे भाई को मारने की। क्या वजह तुम्हारे पास? क्यों किया तुमने? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना। माहिर जी प्लीज, माहिर जी मेरी बात सुनिए। माहिर जी उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, खत्म हो चुका सब कुछ। नहीं सुनना है कुछ बेला, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम अगर सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। एक बार मेरी बात। कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई सफाई नहीं सुनी। तुमने मेरे भाई को मारा है बेला। तुमने मेरे मेरा सच सुन ले। नहीं सुन सकता तुम्हारा सच। तुम झूठ हो ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से पांव तक तुम्हारे अंदर सिर्फ झूठ ही झूठ बड़ा है। तुमने एक बार जिंदगी में मुझे सच बोला था, सिर्फ एक बार। जब तुम मेरे घर में शादी करके आई थी ना, जो नफरत थी ना तुम्हारे मन में, वो था तुम्हारा सच। वही नफरत तुम आज भी करती हो मुझसे भी और मेरे खानदान से भी। माहिर जी तब मुझे गलत फहमी थी, लेकिन गलत फहमी मुझे नहीं है। अब तुमने मेरे भाई को मार दिया, मेरे परिवार में कैसे, कैसी लड़की से मैं प्यार मांगने चला था जो मेरे पूरे खानदान से नफरत करती है, जिसने मेरे भाई को मेरे पास बचा थी वो कर। अरे अगर वो वजह नफरत थी तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना चाहिए था। मुझे शादी करती है और दूसरा हिस्सा जब बेला शर्मा एक खूनी बन के मेरे भाई का खून कर देती है। बस इतनी कहानी तुम्हारी। You are not letting me speak, my dear. झूठ बोलने वालों से और झूठ से मुझे सख्त नफरत है। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दीदी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। राधे आप लौट के बेला कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता पर वो तुम्हारे पीछे आई थी माहिर, कहाँ गई वो? अरे हमें उसे गुस्से में यहाँ पर छोड़ के चला गया था, फिर उसको पता नहीं वो कहाँ चली गई। तुमसे रहा नहीं गया और तुम यहाँ वापस? वो धोखेबाज है।
ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले किसी की जान ले लो, गलतियां करते हो उसके बाद मुंह ना दिखाना पड़े, इसलिए भाग जाओ। नहीं, मेरी दी ऐसी नहीं। जानता हूँ तुम्हारी बहन कैसी है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे मत बताओ बेला कैसी है। उसने जो किया है ना मेरे साथ, दिल तो करता है उसके साथ भी ऐसी करूं। मेरे भाई को मारा उसने। देखो माहिर, देख रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ और तुम लोगों को भी देख रहा हूँ। सबकी शक्लें अच्छी तरह देख रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं समझ रहा हूँ। धोखा दे रहे हो सब लोग मिलके मुझे। क्या करना चाहते हो पता नहीं। अगर तुम्हारी बहन मिले ना तुम्हें तो बताना उसको, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे वापस लेके आऊंगा अपनी जिंदगी में। लेकिन अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए नहीं, उसे सजा दिलाने के लिए। पहले मैं एक बार बेला को ढूंढूं, उससे निपट लूं, उसके बाद मैं तुम सबको जेल भेज दूंगा। देखना तुम लोग फांसी तक जाओगे तुम सब लोग। और तू इल्यूजन क्रिएट करता है, बेस बदलता है ना तू। पता करूंगा ये क्या कर रहा है ना तू, इसकी तह तक पहुंचूंगा। बच्चों की नहीं तुम और तुम, तुम्हारे लिए तो पूरी लिस्ट है। कैसे तुमने रेहान को मारा, मेरे भाई को जंगल में लेके गई, और रेहान की माँ मुक्ति आंटी के पीछे भी ना, उनकी मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, मैं जानता हूँ। माहिर तुम समझ नहीं। तुम चुप रहो, मुंह मत खोलो अपना। भले अभी मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा, तुम सब लोग फांसी पे चढ़ोगे, तुम देखना। और ये पता नहीं कहां से बहरूपियों के बीच में बेला की बहन आ गई। माहिर, माहिर तुम जिस तरह से बेला को दोष दे रहे हो, तुमने अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। नहीं दिया मौका, तुम्हें भी नहीं दूंगा। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम लोगों को मौका दिया जाए कुछ बोलने का। सब के सब धोखेबाज बहरूपी है। दिल तो करता है उसके साथ भी वही करूं जो उसने मेरे भाई के साथ। खबरदार माहिर, अगर तुमने बेला को कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? तू क्या करेगा, क्या करेगा? मारेगा मुझे, मारेगा मुझे। तू क्या करेगा मेरे? हाँ, बेला का कौन लगता है तू जो मुझे बताएगा? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कौन है तू? जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। मैं उसका बेला प्यार हूँ। छोड़ो मुझे, कौन हो कौन तुम? अरे कहाँ लेकर जा, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। डालो उस पे बेल पत्र। जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, क्योंकि उसे लगा कि मैं। चुप, बंद कर अपना मुंह। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम दुनिया के सामने बेला की दुश्मन बनी घूम रही थी, और उसके बाद उसकी सहेली बन के मेरे अपनों का खून कर रही हो। मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने, तुम सबके सब धोखेबाज हो। किसी की बातों में नहीं आऊंगा मैं किसी की बातों। तुम विक्रांत ये सब छोड़ो, हमें बेला को ढूंढना होगा। हाँ, हमें दी को ढूंढना होगा। एक काम करो, अब जंगल के उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। रूही, बेला, रूही, रूही, बेला। विशाखा ने पूरा जंगल छान मारा है। वही तो कहाँ रह गई बेला, बेला। आखिर वो कैसे कर सकती है? माहिर की बातें तुमने दिल पे कैसे लगा सकती है? कौन करता है ऐसा? करते हैं, प्यार में अक्सर ऐसा करते हैं। प्यार में इंसान जो कभी नहीं करता ना, वो भी करता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। ऐसा पहली बार हुआ है जो तुम्हें मेरी बात ठीक लगी हो। हो सकता है आज तक जो मैंने नहीं किया मैं भी वो कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैंने मतलब नहीं पूछा। विक्रांत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमने बेला को हर जगह पूरे जंगल में देखा, कहाँ रह गई है वो? विशाखा उसे ढूंढने के लिए हमारी नाक शक्तियां भी काम नहीं कर रही हैं। क्या करें? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया है? आखिर बार माही ने कहाँ देखा था? उस तरफ आओ। सर जी, माही सर जी रुकिए। वो आपकी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट।
मैं जानता हूँ कि 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आगे हाँ हाँ वो तो हमको भी पता है। हम ये कह रहे थे कि अभी पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर कोई एक है जो कर सकती। अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ बीच में से कैसे, आप ऐसे कॉन्वर्सेशन के बीच में से कैसे? जी जी मैडम, आपका काम कैसा अधूरा छोड़ सकते हैं। हो जाएगा मैम, हो जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हाँ। मुझे बताओगे कौन है वो? अपर्ण एक्सपर्ट। कौन? अरे अपर्ण एक्सपर्ट आजकल इसी नाम से फेमस है। वो वहां बैठते हैं उस बिल्डिंग में। ये लीजिए उनका कार्ड। पहले वो भी पुलिस के नौकर थे, लेकिन अब किसी के बाप के नौकर नहीं है। समझ गए ना मतलब?